नमस्कार भैया बहनों, हमारा अगला चैप्टर है रंगों की पहचान, चैप्टर 3। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको ड्राइंग की जो आपने कॉपी बना रखी है उसमें करने हैं। मैं आपको ये पार्ट पढ़ा देती हूँ। सबसे पहला है, रंगों की 3 किस्में होती हैं। जो रंग हैं उनकी 3 किस्में हैं। पहला है प्राथमिक रंग, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो केवल हम प्रकृति से ले सकते हैं, वो हैं प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग, जो प्राथमिक रंगों को मिलाने पर बनते हैं, वो है द्वितीयक रंग। फिर है प्राकृतिक रंग, न्यूट्रल। ये रंगों को गहरा और हल्का बनाने के काम आते हैं। जो प्राथमिक रंग हैं वो 3 हैं। ये हम याद रखेंगे कि प्राथमिक रंग 3 हैं और उनके नाम क्या क्या है। पहला है लाल, नीला, पीला। ये शुद्ध रंग होते हैं एकदम, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं होती। द्वितीयक रंग, ये भी 3 होते हैं। ये प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनते हैं। ये इधर प्राथमिक रंग दे रखे हैं, लाल 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 पीला, ये प्राथमिक रंग है। पीला, नीला नीला, ये भी प्राथमिक रंग है। जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो एक तीसरा रंग बन जाता है, जिसको हम द्वितीय रंग कहते हैं, सेकेंडरी कलर कहते हैं। लाल में अगर हम पीला मिला देंगे तो वो नारंगी रंग बन जाएगा। लाल में अगर हम नीला रंग मिला देते हैं तो वो बैंगनी रंग बन जाएगा। पीले में अगर हम नीला मिला देते हैं तो वो हरा रंग बन जाएगा। इसी प्रकार ये तीनों सेकेंडरी कलर हैं, द्वितीयक रंग हैं। तो नारंगी, बैंगनी और हरा रंग कौन से रंग हैं? द्वितीय रंग हैं। उसके बाद हैं प्राकृतिक रंग, जिन्हें हम न्यूट्रल कलर या फिर तटस्थ रंग भी कहते हैं। तटस्थ, जो कि रंगों का जो मान है उनको बढ़ाना घटाने के काम आते हैं। मान का मतलब होता है, जब हम किसी रंग में काला रंग मिला देंगे तो उसका मान घट जाता है, यानी कि उसकी क्वालिटी घट जाएगी। वो ना लाल रहेगा और ना काला रहेगा। जब उसमें हम सफ़ेद रंग मिला देंगे तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो उसका मान बढ़ जाएगा। उसके बाद है सलेटी, इसमें ना तो रंग गहरा होगा ना ही हल्का होगा, मीडियम रहेगा। तो काला, सफ़ेद और सलेटी, काले में अगर हम सफ़ेद मिला दें तो सलेटी रंग बन जाता है। ये तीनों ही रंग तटस्थ रंग या प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। उसके बाद है विरोधी रंग, जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। विरोधी मतलब दो प्रकार से होंगे, एक आएगा ठंडा रंग, एक आएगा गर्म रंग। जो ठंडा रंग है वो गर्म रंग का विरोध करेगा, और वो द्वितीय रंग भी होंगे। जैसे कि नारंगी बहुत तेज़ गर्म रंग है और सबसे ज़्यादा ठंडा रंग है आसमानी। नीला ठंडा रंग है, पीला गर्म रंग है। धानी ठंडा रंग है, बैंगनी गर्म रंग है। लाल गर्म रंग है, हरा ठंडा रंग है। इसलिए इनको विरोधी रंग कहते हैं। अब विरोधी रंगों के बारे में कई बार प्रश्न आते हैं कि लाल का विरोधी रंग कौन सा है, तो हम लिखेंगे लाल। लाल का विरोधी रंग हरा है। इनकी पहचान हम एक प्रकार से, मैं उदाहरण देती हूँ हमेशा, कि अगर आसमान में उगता हुआ सूरज या छिपता हुआ सूरज देखते हैं तो कैसे रंग का होता है? नारंगी। तो नारंगी का विरोधी आसमानी हुआ। नीले, नीला और पीला, जैसे नीला सबसे ज़्यादा ठंडा रंग है और पीला सबसे ज़्यादा गर्म रंग है। धानी, इसमें मैं बैंगन का उदाहरण देती हूँ। बैंगन बैंगनी रंग का होता है, जो उसके ऊपर डंडी होती है वो धानी रंग की होती है, तो बैंगनी का विरोधी धानी रंग होता है। इसके लिए मैं गुलाब या गुड़हल के फूल का उदाहरण देती हूँ। गुड़हल का फूल लाल होता है, गुलाब का फूल लाल होता है, और उसकी जो डंडियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, वो हरी होती हैं। इसीलिए लाल का विरोधी हरा होता है और हरे का विरोधी लाल होता है। उसके बाद आते हैं अनुकूल या सहयोगी रंग। एक अष्टवाल चक्र होता है, उसमें रंगों का एक सही क्रम होता है। उसमें एक प्राथमिक रंग, एक द्वितीय रंग, एक प्राथमिक रंग, एक द्वितीय रंग, इस तरह से 8 रंग होते हैं। इंद्रधनुष वाले 7 रंग, और उसमें एक एक्स्ट्रा रंग होता है, वो है धानी रंग। तो जो अष्टवाल चक्र है, मैं उसकी पिक्चर आपको भेज दूंगी, उसके कोई 3 रंग ले लो, पीले के बाद नारंगी आएगा और लाल आएगा।
ये तीन रंगों का क्रम अनुकूल रंग कहलाता है। फिर लाल के बाद लाल, बैंगनी, नीला, ये तीन रंग ले लो, ये क्या कहलाएंगे? अनुकूल या सहयोगी रंग। नीला, आसमानी, हरा, ये भी उस जो व्रत है उसमें क्रम में से लिए गए हैं, और ये हरा, धानी, पीला, ये भी उसके क्रम में से लिए गए हैं। जो इन तीन रंगों का जो मेल है वो क्या कहलाता है? अनुकूल या सहयोगी रंग। इसमें दो प्राथमिक रंग है, बीच में द्वितीय रंग है, प्राथमिक रंग है, बीच में द्वितीय रंग है, प्राथमिक रंग है, बीच में द्वितीय रंग है, प्राथमिक रंग है, बीच में द्वितीय रंग है। अष्टवाल ने हरे रंग को भी प्राथमिक रंग माना है। उसके बाद अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ये आपका गृह कार्य है, ये इसी में से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे पाठ में से। प्राथमिक रंग कौन से हैं वो तीनों लिख देने हैं आपको, द्वितीय रंग के नाम लिखिए, ये सारा आपको अपनी कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।